हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइकोजोन एसजी कैप्सूल के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, इसके अलावा शारीरिक कमजोरी होना, इसके साथ ही साथ यह हमारी बॉडी को फिजिकली ग्रोथ करने में मदद करता है, शरीर में कमजोरी की शिकायत होती है, खून की कमी होती है, सेक्सुअल वीकनेस होता है, इसके अलावा और भी स्किन से रिलेटेड पर्पज में इसे इस्तेमाल किया जाता है, आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, यह इन सभी पर्पजों में काफी यूजफुल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं लाइकोजोन एसजी कैप्सूल के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनों का क्या क्या फायदे हैं, किन किन रोगों में इस्तेमाल किया है, इसके क्या नुकसान है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या डोज है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं लाइकोजोन एसजी कैप्सूल, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ली फूड कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है, 10 कैप्सूल की पैकिंग में मिलती है और 95 रुपए की इसकी प्राइस है। तो हमने बेसिक डिटेल के बारे में जाना लाइकोजोन एसजी कैप्सूल के बारे में। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है 5 से 6 कॉम्बिनेशन है, जो कि पर्टिकुलर रूप से हर एक कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन फायदेमंद है। जैसे कि इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कॉम्बिनेशन जिंक 7.5 mg हर एक कैप्सूल में मिल जाता है, इसके अलावा ग्रेप सीड एक्स्ट्रा 10 mg, बीटा कैरोटीन 5 mg, लाइकोपेन 5 mg, ल्यूटीन 2 mg, सोडियम सिलेनेट 40 mcg, यह सभी कॉम्बिनेशन हर एक कैप्सूल में आपको इतने mg में मिल जाती है। अब बात करते हैं इन पर्टिकुलर एक एक कॉम्बिनेशन का क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे कि बात करें पहला कॉम्बिनेशन बीटा कैरोटीन, जो कि इसका इस्तेमाल लाल और नारंगी जो पौधे होते हैं उनमें जो पिगमेंट्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए में भी कन्वर्ट हो जाता है और इसका इस्तेमाल विजन के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है, आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, त्वचा से जुड़ी शिकायतों को सॉल्व करने में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिंक, जो कि यह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म फंक्शन को नॉर्मल रखने में मदद करता है, इसके अलावा पुराने से पुरानी जो भी जख्म होती हैं उनको यह रिकवरी करने में, हीलिंग करने में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो अगला कॉम्बिनेशन है ग्रेप सीड एक्स्ट्रैक्ट्स, जो कि इसका इस्तेमाल बहुत से पर्पजों में किया जाता है और ये काफी फायदेमंद होता है। ग्रेप सीड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक्स होते हैं उनको यह बाहर निकालने का काम करता है और इसे ज्यादातर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा यह ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा यह हमारी बॉडी में कोलेजन लेवल को लेवल में रखने का काम करता है, जिसके कमी होने के कारण हड्डियों की कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा हड्डियों में बहुत ज्यादा रगड़ जैसा महसूस होता है, पेन होता है, अर्थराइटिस जैसा शिकायत होने लगता है, तो उस पर्पज में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उनकी ग्रोथ को खत्म करने में मदद करता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें। अगला कॉम्बिनेशन जो कि ल्यूटेन है, जो कि एक तरह का कैरेटिनोइड है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारी बॉडी में सूजन या बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनको सॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा यह आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, इसके साथ ही साथ रतौंधी, देर रात तक नींद नहीं आती है, इंसोमिनिया की शिकायत होती है, तो उन सभी पर्पजों में भी ल्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला कॉम्बिनेशन है लाइकोपेन, जो कि इसका इस्तेमाल खून को बढ़ाने के लिए, एनीमिया की शिकायत होती है, मानसिक तनाव होता है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है, या बहुत जल्दी किसी भी काम करने में थकावट महसूस होता है, तो उन सभी पर्पजों में लाइकोपेन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह हेल्दी मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में मदद करता है, इसके साथ ही साथ यह त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, त्वचा के टेक्सचर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है, उनके कलर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा जो अगला कॉम्बिनेशन है सिलेनियम, जो कि इसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, यह हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा मेंटल डिसीज जैसी प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है कमजोर, तो उन सभी पर्पजों में सिलेनियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यह ओवरऑल यह इन सभी पर्पजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इनके यह फायदे हैं। तो हमने इस वीडियो में हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल से जाना। इसके अलावा बात करें इसकी डोज क्या है, तो नॉर्मली आप इसे दिन में एक ही बार इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं। बात करें क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके लेने के बाद अगर आपको वॉमिटिंग, सर में दर्द, कब्ज की शिकायत होती है, तो आपको सूट नहीं करना और आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे कौन से पेशेंट इस्तेमाल ना करें, अगर आपको किसी भी तरह क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आपको कोई मेडिसिन कोर्स चल रहा है, या प्रेग्नेंट लेडी है, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, या आपको किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उन सभी पर्पजों में बिना डॉक्टर के सलाह के आप इस्तेमाल ना करें। तो यही था लाइकोजोन एसजी कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको